और आपको बताते हैं कि मुनाफाखोरी को रोकने के लिए सरकार जल्द ही आवश्यक खुदरा वस्तुओं के दामों को तय भी कर सकती है। सरकार के तय किए गए दामों के बाद कोई भी दुकानदार उस कीमत से ज़्यादा दाम नहीं ले पाएगा। देखने में आता है कि होलसेल और खुदरा मूल्यों में काफ़ी अंतर रख करके व्यापारी ग्राहकों को ये सामान बेचते हैं। यही वजह है कि सरकार ग्राहकों को ध्यान में रख करके ये कदम उठा सकती है। कालाबाजारी और मुनाफाखोरी पर लगाम लगाने के लिए अब सरकार खुद आवश्यक वस्तुओं के दामों को तय करेगी। इससे दुकान की एमआरपी कीमत के खेल से जनता को राहत मिलेगी। खुले और पैक्ड वस्तुओं की कीमतों में भारी अंतर के चलते सरकार इस दिशा में कदम उठाने जा रही है। सरकार अगर आवश्यक वस्तुओं की कीमत तय करती है तो कोई भी दुकानदार तय कीमत से ज्यादा नहीं वसूल पाएगा। पिछले कुछ समय से खुली दाल और पैकिंग दालों की कीमतों में काफी अंतर देखा गया, जिसके बाद सरकार ने मुनाफाखोरी की इस चाल पर लगाम लगाने की सोची। इस बारे में 7 सितंबर को अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि अगर सरकार 500 ग्राम 1 किलो और 2 किलो पर कीमत तय करती है तो खुदरा व्यापारियों को इसी कीमत पर सामान बेचना होगा। रिटेल में जो भी बिजनेस कर रहे हैं उनसे हम बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि भैया सही दाम पे होलसेल और रिटेल में एक पैरिटी रख के सही दाम से बेचिए। अब अगर नहीं होगा तो सरकार के पास एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में ये प्राविधान है कि हम रिटेल प्राइस को भी एसेंशियल कमोडिटीज के लिए हम एक सीमा निर्धारण कर सकते हैं। जुलाई में ही उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने राज्यों से कहा था कि वो अपने यहाँ दालों और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को तय करने के लिए कानून बनाएं। उपभोक्ता मंत्रालय कारोबारियों के सार्थक मुनाफे को गलत नहीं मानता। अगर थोक और खुदरा मूल्यों में 15% अंतर है तो वो गलत नहीं है, लेकिन देखा गया है कि व्यापारी 40-50% तक आवश्यक वस्तुओं में मुनाफा कमा रहे हैं। जो कस्टमर है उसको बेनिफिट मिलेगा, इसमें एक फिक्स प्राइस हो जाएगा, तो उसको ये नहीं कि आज मैं 50 का ले रहा हूँ वहाँ पर 100 का बिक रहा है या 40 का बिक रहा है, तो एक प्राइस होना चाहिए, वो ठीक है बिल्कुल। ये यहाँ जो मार्केट है, यहाँ पे बहुत महंगी चीज़ें मिलती थी, वो कभी कहीं जा रहा है कभी कहीं जा रहा लेने के लिए, उसका किराया और खर्च होता था वहाँ जा करके, दूसरी जगह जाता था सस्ती जगह लेने के लिए तो किराया खर्चता था, तो चीज़ें उसको महंगी पड़ती थी, इससे बहुत लाभ होगा। दाल, खाद्य तेल, दूध, चीनी, ऐसी सब्जियाँ जिनकी कीमतों में काफ़ी उछाल रहता है, अदरक, लहसुन और कुछ फल जिनकी कीमतों में लगातार बदलाव होता है। नियमों और अधिसूचना की अनदेखी करने पर खुदरा विक्रेता पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, साथ ही उसके माल को भी जब्त किया जा सकता है। इन नए नियमों के लागू होने से आवश्यक वस्तुओं के मामले में अधिकतम खुदरा मूल्य यानी MRP की अवधारणा खत्म हो जाएगी, साथ ही बढ़ती महंगाई पर भी इससे लगाम लगेगी। सरकार का अगर ये कदम साकार होता है तो कोई भी व्यापारी सरकार द्वारा तय की गई कीमत से ज्यादा कीमत का सामान नहीं बेच पाएगा। साथ ही जो व्यापारी कालाबाजारी कर मोटे मुनाफे की सोचते हैं वो भी ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सामान के जब्त होने के साथ साथ ही उनके ऊपर जुर्माना लगाने का भी प्रावधान किया गया है। कैमरामैन अच्युतानंद के साथ नीरज सिंह, DD News, दिल्ली।